नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जी के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप और फेसबुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लें। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, विच सिटी रिसेंटली हैज़ बिकम ODF प्लस प्लस सिटी। हाल ही में हिमाचल का पहला खुला शौच मुक्त प्लस प्लस शहर बना है। देखिए, अभी हाल ही में शिमला जो है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, शिमला ओपन डिफेक्शन फ्री, ODF की फुल फॉर्म होती है ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस प्लस सिटी जो है वो बनी है। अच्छा, अब यहाँ से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देखिए, ODF प्लस प्लस ओपन डिफेक्शन फ्री सिटीज़ उन सिटीज़ को कहा जाता है, ये प्लस प्लस की बात हो रही है, तो ओपन डिफेक्शन सिटी प्लस प्लस उन सिटीज को कहा जाता है जिन सिटीज में जो है वो 100% जो है वो टॉयलेट होते हैं और सीवरेज कनेक्टिविटी होती है और जितने भी शौचालय होते हैं उन सभी में पानी की सुविधा होती है। तो इस तरह के कुछ क्राइटेरिया रखा गया है ओपन डिफेक्शन फ्री खुला शौच मुक्त प्लस प्लस शहरों के लिए। या बेसिक्स आप याद रखिए, शिमला जो है वो हिमाचल का पहला ऐसा शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वुड बी नेक्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल विधानसभा। हिमाचल विधानसभा के नए स्पीकर कौन होंगे? तो देखिए, अभी इनका नाम सामने आया है, इनका नाम है विपिन परमार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। विपिन परमार की अगर बात करें तो प्रेजेंटली ये जो है ये हेल्थ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। अच्छा, काफ़ी टाइम से हिमाचल विधानसभा की स्पीकर की जो सीट थी वो वैकेंट थी। इनसे पहले स्पीकर कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। तो इनसे पहले जो हिमाचल विधानसभा के स्पीकर थे वो थे राजीव बिंदल। राजीव बिंदल को जो था वो बीजेपी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब इसके बाद विपिन परमार को जो है ये नया स्पीकर जो है वो बनाया जाएगा। अगर बात करें हिमाचल विधानसभा के डेप्टी स्पीकर की, तो हिमाचल विधानसभा के डेप्टी स्पीकर हैं हंसराज। अच्छा, विपिन परमार जो है वो कौन से विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के सुलह विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको स्पीकर बनाया जा रहा है। इनसे पहले कौन कौन स्पीकर रह चुके हैं? तो इनसे पहले जो है तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से जो तीन व्यक्ति रह चुके हैं, एक तो हो गए विपिन परमार और उसके बाद हैं चौधरी श्रवण कुमार। चौधरी श्रवण कुमार के बाद ब्रिज बिहारी लाल बुटेल। ये तीन व्यक्ति जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से विधानसभा के स्पीकर जो हैं वो रह चुके हैं। अब विपिन परमार के बारे में बात होगी, एक बार स्पीकर की जो पोस्ट होती है स्पीकर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कौन से आर्टिकल के तहत जो है स्पीकर आता है? लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर और डेप्टी स्पीकर होते हैं वो आते हैं आर्टिकल 178 के तहत। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और अगर ये लोग रिज़ाइन करते हैं या फिर इनकी सीट जो है वो वेकेंट है या फिर इनको हटा दिया जाता है स्पीकर के पद से, तो देखिए कौन से आर्टिकल के तहत इन्हें हटाया जाएगा? तो आर्टिकल 179 के तहत इनको हटाया जाएगा। ये दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को आप याद रखिए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कंसिडर एज एन आर्टिस्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा राज सिंह ऑफ चंबा। चंबा के राजा राज सिंह के शासनकाल में एक कलाकार के रूप में कौन माना जाता था? तो देखिए, ये नाम था, ये नाम आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए निक्का। निक्का एक पेंटर थे डिस्ट्रिक्ट चंबा के राजा राज सिंह के कार्यकाल के दौरान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, पेंटर्स की बात हुई तो इंपॉर्टेंट पेंटर्स की बात कर लेते हैं। निक्का तो जो थे वो थे राजा राज सिंह के कार्यकाल के दौरान। और देखिए, राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसारचंद जो थे वो समकालीन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पेंटर हैं जो कि अभी एग्जाम में भी आपसे पूछे गए थे, वो थे कि संसारचंद के कार्यकाल के दौरान कौन पेंटर थे? तो राजा संसारचंद के कार्यकाल के दौरान जो पेंटर थे उनका नाम था मानकू पेंटर। तो अगर पेंटिंग की बात करें तो देखिए, कांगड़ा पेंटिंग काफ़ी प्रोमिनेंट पेंटिंग है। कांगड़ा पेंटिंग जो थी वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? तो ये डिस्कवर की गई थी मेटकॉफ के द्वारा। मेटकॉफ ने कांगड़ा पेंटिंग जो थी वो डिस्कवर की थी। और चंबा के कुछ फेमस पेंटर थे जिनमें से निक्का, छज्जू, हरकू, रांझा, ये जो थे फेमस पेंटर थे। नूरपुर के जो थे वो गोलू फेमस पेंटर थे। सिरमौर के अंगद फेमस पेंटर थे। और कुल्लू के भगवान और संजू, ये दो पेंटर थे कुल्लू के भगवान और संजू। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट मैंने आपको बताए पेंटिंग के बारे में। अच्छा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन और बन सकता है आपसे, निक्का जो पेंटर थे इनसे। देखिए, निक्का पेंटर जो थे वो गुलेर से चंबा आए थे। तो ये कब गुलेर से चंबा आए थे? ये 1765 में।
1765 में निक्का पेंटर जो थे वो गुलेर से चंबा आए थे, ये भी आप याद रखें। तो इन बेसिक क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारीची वज्रवराही ब्यूटीफुल स्कल्पचर इज लोकेटेड इन। मारीची वज्रवराही की सुंदर मूर्ति कहाँ पर स्थित है? आपको इस चार ऑप्शन दी गई हैं। मारीची वज्रवराही की सुंदर मूर्ति जो है वो स्थित है लाहौल में। ऑप्शन सी सही आंसर है, लाहौल के गैमूर मोनेस्ट्री में ये स्थित है। गैमूर मोनेस्ट्री कहाँ पर है? गैमूर मोनेस्ट्री जो है वो लाहौल में स्थित है और यहीं पर ये स्थित है मारीची वज्रवराही की मूर्ति। अच्छा, ये कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करती है? तो ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली 11th और 12th सेंचुरी से बिलोंग करती है। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करती है, परंतु फिर भी आप याद रखिए कौन सी सेंचुरी से ये बिलोंग करती है। बात हुई है लाहौल की, तो लाहौल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम पहले भी कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। लाहौल स्पीति का गठन हिमाचल के जिले के रूप में होता है 1 नवंबर 1966 को। लाहौल स्पीति का एरिया है 13,835 स्क्वेयर किलोमीटर। लाहौल स्पीति का गठन पंजाब के जिले के रूप में होता है 1960 को। दछांग, थॉन, ग्याहो ये फेस्टिवल हैं लाहौल के। और देखिए लाहौल की इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं भोटी, मंचद, चंगसा, गहारी। घंटाल फेस्टिवल स्पीति वैली में मनाया जाता है। रतांग वैली, ग्यास वैली लाहौल में है। पिन वैली नेशनल पार्क 1987 में बना था। कुंगरी गुम्पा स्पीति वैली में स्थित है। रंगलोई दूसरा नाम है चंद्रा वैली का। लारी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म लाहौल स्पीति में है। नोनो वजीर लाहौल के फेमस वजीर हैं। ग्रिप्पी ग्रुप डांस परफॉर्म किया जाता है लाहौल के लोगों के द्वारा। मुराबियन मिशन 1853 में लाहौल पहुंचा था। स्पीति को जो था कुल्लू के राजा मानसिंह के द्वारा 1700 ईस्वी के आसपास इन्वेट किया गया था और ये कुल्लू के अधीन 1846 तक रही थी। पोस्ट ऑफिस ब्रांच जो थी वो केलोंग में 1869 को खोली गई थी। थिरोट प्रोजेक्ट, रोंगटोंग प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। वैली ऑफ ग्लेशियर एंड्रयू विल्सन ने लाहौल स्पीति को कहा था। एंड्रयू विल्सन के द्वारा अबाउट ऑफ गॉड किताब भी लिखी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिए लाहौल स्पीति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कुछ मैच आपके पास दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मैच सही नहीं है? सबसे पहले है मसूर टेम्पल, ये नगारा स्टाइल में बना हुआ है। दूसरा है लक्षणा देवी टेम्पल, ये पेंट रूप स्टाइल में बना हुआ है। तीसरा है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ये पैरामिड स्टाइल में बना हुआ है। और चौथा है त्रिलोकपुर टेम्पल, ये डोम स्टाइल में बना हुआ है। देखिए अगर बात की जाए जो सही नहीं है, तो ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण टेम्पल पैरामिड स्टाइल में नहीं बना हुआ है। अच्छा, तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है? तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है ये बना हुआ है शिखर स्टाइल में। याद रखिए शिखर स्टाइल में ये टेम्पल बना हुआ है। अच्छा, बात टेम्पल्स की हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पैगोडा स्टाइल के टेम्पल्स की। तो देखिए पैगोडा स्टाइल टेम्पल जो है वो हिमाचल में आया था नेपाल से। हिडिम्बा टेम्पल हो गया मनाली का, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हो गया नगर का, त्रियुगी टेम्पल हो गया देयार कुल्लू का, आदि ब्रह्मा टेम्पल हो गया कोखान का, महेश्वर शुंगरा टेम्पल किन्नौर का, पराशर टेम्पल मंडी का, ये सभी टेम्पल जो है ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं। और अगर बात करें डोम स्टाइल के टेम्पल्स की, तो ज्वालामुखी टेम्पल हो गया, नैना देवी टेम्पल हो गया, ब्रजेश्वरी टेम्पल हो गया, चिंतपूर्णी टेम्पल हो गया, चामुंडा टेम्पल हो गया, चामुंडा यहाँ पर लिखा नहीं गया है, और त्रिलोकपुर टेम्पल हो गया। तो ये टेम्पल बने हुए हैं डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में। जो दो आर्किटेक्ट स्टाइल हमने डिस्कस किए टेम्पल्स के, उनको आप याद रखिए। फिलहाल आज हमने दो ही डिस्कस किए, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वीरभद्रा सिंह कॉन्फर्ड ऑनररी रैंक ऑफ कैप्टन इन इंडियन आर्मी। किस वर्ष में वीरभद्र सिंह को भारतीय सेना में मानक कप्तान से सम्मानित किया गया था? देखिए वीरभद्र सिंह को जो था वो ऑनररी कैप्टन सम्मानित किया गया था, इनको कब किया गया था? 1962 में। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, वीरभद्र सिंह की बात हुई है तो आपको पता है कि श्री वीरभद्र सिंह जो है वो हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार हिमाचल के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो ये पहली बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने थे 1983 में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और ये कितनी बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो ये जो है ये 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये मुख्यमंत्री के बारे में आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश वीरभद्र सिंह कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पहली बार कब बने थे। अच्छा, मैंने आपसे डिस्कस किया था एक क्वेश्चन लोकसभा के स्पीकर के बारे में। लोकसभा के स्पीकर के बारे में आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि हिमाचल के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे और पहले
डेप्टी स्पीकर कौन थे? तो स्पीकर और डेप्टी स्पीकर, इन दोनों के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पहले हिमाचल के स्पीकर और डेप्टी स्पीकर कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्रॉम बुद्धिस्ट कम्युनिटी गैदर टू सेलिब्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। हाल ही में बौद्ध समुदाय के सैकड़ों लोग किस त्यौहार को मनाने के लिए एकत्र हुए थे? बस चार ऑप्शन दी गई हैं। देखिए 24 फरवरी को जो था ये लोग एकत्रित हुए थे, बौद्ध कम्युनिटी के लोग, और ये किस त्यौहार को मनाने के लिए एकत्रित हुए थे? तो ये लोसर फेस्टिवल को मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। लोसर फेस्टिवल के बारे में अब आपको पता होना चाहिए। देखिए देखिए तिब्बती नववर्ष जो है उसे कहते हैं लोसर फेस्टिवल। नया साल तिब्बतियंस का शुरू होता है इस दिन से, बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं इस बात को, और ये 24 फरवरी से शुरू होता है, ये या आप याद रखिए 24 फरवरी से ये शुरू होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज जो हिमाचल प्रदेश की हैं वो हैं गैमूर मोनेस्ट्री जो कि लाहौल में है, गुरु घंटाल गोम्पा लाहौल में है, शाशूर गोम्पा लाहौल में है, ये 7th सेंचुरी में बना था। ताबो मोनेस्ट्री जो है वो स्पीति में है, नामग्याल मोनेस्ट्री जो है वो धर्मशाला में स्थित है, बौन मोनेस्ट्री जो है वो सोलन में है, कन्नव मोनेस्ट्री जो है वो किन्नौर में है। देखिए वैसे तो बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं हिमाचल प्रदेश में, परंतु ये कुछ इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज हैं। इसके अलावा भी आप कुछ और इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। अच्छा यहाँ से मुझे आप एक चीज़ कमेंट करके बताइए कि ताबो गोम्पा जो है उसको एलोरा कहा जाता है या अजंता कहा जाता है हिमाचल का, या मुझे कमेंट करके बताइए कि एलोरा कहते हैं या फिर अजंता कहते हैं हिमाचल का ताबो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीप एंड वूल सेंटर लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट चंबा एट, डिस्ट्रिक्ट चंबा में शीप एंड वूल सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थित है? बस चार ऑप्शन दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी चूरी। डिस्ट्रिक्ट चंबा के चूरी में स्थित है शीप एंड वूल सेंटर। अच्छा बात डिस्ट्रिक्ट चंबा की हुई, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में भी पिछली बार भी जब हमने वीडियो डिस्कस की थी तब भी हमने डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में डिस्कस किया था, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो एरिया है वो है 6,522 स्क्वेयर किलोमीटर जो कि पूरे हिमाचल का 11.71% कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की डेंसिटी है 80 स्क्वेयर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट चंबा में 6 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है, वो है अहला, भनोटा, भागत, धारवाज, राजूरा और थुल्लेट, ये 6 मल्टीप्लिकेशन फार्म है सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विजिट किया गया था 1873 में, सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में विजिट किया था, और गौरी शंकर टेम्पल जो है वो रेणुका देवी के द्वारा बनवाया गया था। चंबा किसान मूवमेंट जो थी वो 1895 में शुरू हुई थी और उस समय चंबा के राजा थे राजा श्याम सिंह। शीप एंड वूल सेंटर डिस्ट्रिक्ट चंबा के चूरी में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में, इन क्वेश्चंस को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ शिमला रियासती प्रजामंडल? शिमला रियासती प्रजामंडल के पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो देखिए शिमला रियासती प्रजामंडल के जनरल सेक्रेटरी बने थे जिनका नाम था ज्ञानचंद टोटू। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा ज्ञानचंद टोटू जो थे वो कब बने थे शिमला रियासती प्रजामंडल के जनरल सेक्रेटरी? तो ये बने थे 1940 ईस्वी में, कब बने थे ये भी आप इनके बारे में याद रखिए। अच्छा यहाँ से आप याद रखिए कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना जो थी वो 1946 में हुई थी। इसकी स्थापना एग्जाम में पूछी जाती है, और हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। इसके सेक्रेटरी थे पंडित पद्मदेव। सिरमौर प्रजामंडल जो था वो 1939 में एस्टेब्लाइज किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए मैंने आपको प्रजामंडल से रिलेटेड। एक हो गया हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, एक हो गया हिमालयन रियासती प्रजामंडल, सिरमौर प्रजामंडल, इनकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देलर ठकुराइन वाज फाउंडेड बाय, देलर ठकुराइन की स्थापना किसने की? देखिए देलर ठकुराइन की स्थापना जो थी वो की गई थी पृथ्वी सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है देलर ठकुराइन को, देलर ठकुराइन एक छोटी सी ठकुराइन थी, इसकी स्थापना पृथ्वी सिंह के द्वारा की गई थी 1815 ईस्वी में। जो था वो देलर ठकुराइन जो था वो बुसहर का हिस्सा होती थी, बुसहर रियासत की ये जागीर होती थी 1815 ईस्वी में। और अगर प्रेजेंटली बात करें तो प्रेजेंटली भी ये रामपुर बुसहर तहसील में ही पड़ती है देलर ठकुराइन। तो इतना ये बेसिक्स आप देलर ठकुराइन के बारे में याद रखिए। आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, विच फॉर्म ऑफ हिमाचली नाटी विल बी परफॉर्म्ड व्हेन द अमेरिकन प्रेसिडेंट अराइव्स इन इंडिया? अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत आने पर कौन सी नाटी प्रस्तुत की जाएगी? मतलब अब तो वो आ चुके हैं, आप कमेंट करके बताइए कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए
तब उस समय हिमाचल की कौन सी नाटी जो थी वो प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।